चमकेला मचलेला मंजली साला साला। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और एक्चुअली सीन ऐसा था कि मैं ब्लॉग बहुत दिन से नहीं कर रहा था, लेकिन आज का जो सीन है मेरे को मजबूर कर दिया कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूं। और ये ब्लॉग ना मजबूरी में कर रहा हूं, मतलब ऐसा जगह पहुंच गया ना कि मतलब बिना ब्लॉग के मैं रह नहीं पा रहा हूं। तो बातें कम करते हैं, पहले मैं आपको जगह दिखाता हूँ, मतलब आपको लगेगा नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। तो हम लोग सिर्फ आधे घंटे में शिमला पहुंच चुके हैं और ये पूरा देखिए यहाँ का लोकेशन, मतलब क्या है ये, कैसा है, पता नहीं कैमरे में भी आप लोगों को दिखेगा कि नहीं यार। मतलब यहाँ तो लोग कुछ कुछ दिख रहा है, आप लोगों को सीन दिखाता हूँ, मैं बता नहीं सकता लिटरली यार क्या मजा आ रहा है। सीन दिखाते उधर का, अंबिकापुर से बिलासपुर माय गॉड, देखो देखो यहाँ जरा देखो, तो लग रहा है ना क्या खतरनाक सीन है, मतलब किस्मत अच्छी है भाई हमारी। तो बस मजा आ रहा है, थोड़ा आगे चले क्या, आ जाओ आ जाओ। तो अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस सीन दिखाता हूँ आप लोग, क्या सीन है यहाँ पर, मतलब वाओ। ये मतलब नींद आ रहा था, पूरा नींद ही खत्म हो गया, रात भर हम लोग शूट किए हैं और अभी यहाँ आके देख रहे तो भाई सारी नींद खत्म। हाँ हाँ हाँ, चलो भाई लोग से बात करके आते, यहाँ पहुंच चुके हैं। जगह का नाम क्या है? अरे छोड़ो ना यार, जो भी है, बट सीरियसली यार मतलब बहुत अल्टीमेट जगह, एकदम अल्टीमेट, मतलब पहली बार अपन उठे आए एकदम सही यार। हाँ अविनाश कुजूर, तो मेरे साथ कुछ भैया लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, शायद वो भी ये जगह को देख करके, ये लोकेशन को देख करके रुके हैं। और भैया साथ यूपी से आ रहे हैं ना, यूपी से आ रहे हैं, गोरखपुर से आ रहे हैं। और भैया आप लोग इस जगह के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या, मतलब कैसा लग रहा है अभी यहाँ का सीन? बहुत प्लेस जो है बहुत खूबसूरत है, अंबिकापुर से रिलेटेड जो भी प्लेस है काफी खूबसूरत है जी। और पर्यटन स्थल के हिसाब से भी देखा जाए तो काफी मशहूर, काफी मशहूर है। और अभी का जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे बना हुआ है ना, मतलब लगेगा कि नहीं है मतलब छत्तीसगढ़ का है ना, स्वर्ग जैसे। हाँ बस ऐसा लग रहा है स्वर्ग के पुल में खड़े हैं। हाँ तो भाई लोग यहाँ पे फोटो खिंचाने आए हैं, तो इनके साथ में एक ग्रुप फोटो खिंचाऊंगा और पोस्ट कर दूंगा, एक फोटो खिंचा सकता हूँ आप लोग के साथ। तो गाइस एक्साइटमेंट में हम फोन नंबर मतलब फोन लाना भूल गए, दोनों गाड़ी में रखा हुआ है, तो अभी क्या कर रहे हैं कि फोन ना यहाँ पे लिखा हुआ नंबर और ये कैप्चर कर रहे हैं। ओके थैंक यू भैया, चलो थैंक यू भैया, चलो बढ़िया था और काफी अच्छा ट्रक आ रहा है यहाँ पर, देखिए ट्रक का सीन बड़ी लोग, तो मतलब क्या भी कहने, बहुत ही मजा आ रहा है, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मतलब अरे यार क्या बताऊं मैं, अब सीन ही देखो आप लोग, अंबिकापुर आए और ये जगह नहीं देखे तो क्या, क्या मतलब। और जो आज हमने देखा है तो शायद वो किसी ने नहीं देखा, ये जलपरी पैर पार तो सब जाते हैं, यहाँ आके देखो अलग ही है भाई, अलग है, मतलब आज तो दिन बन गया हमारा। अरे मतलब क्या भी बोले यार, शब्द नहीं मिल रहे है, मतलब क्या क्या बोलूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस अभी ड्रोन की कमी है, ड्रोन होता ना तो बहुत तगड़ा वाला सीन आता, थोड़ा सा हाइट पे जाता, सिर्फ ब्रिज दिखता और कुछ नहीं दिखता, अगल बगल पूरा फॉग जमा हुआ है। मन प्रसन्न क्या आनंदित प्रसन्नित तो जो भी ऐसा हो गया, बड़ा मजा आ रहा है। ओहो देखो आप लुक देखो, ये अपना लुक चेंज करने के लिए जैकेट को पलट के पहन रहे हैं, यह गलत बात है। हाँ ये सही लुक आ रहा है, तो अभी इनका कुछ फोटोज में क्लिक कर देता हूँ। एक्चुअली हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग ना दोनों फोटो खिंचाना चाह रहे थे, तो अभी अंकल से हम लोग फोटो खिंचाने वाले हैं और हम उनका भी फोटो खींचेंगे। तो अंकल आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। अंकल जी आप कहाँ से हैं? भोपाल से। भोपाल से, तो अंकल हमारे भोपाल से हैं और काफी लंबा टूर करके आ रहे हैं। अंकल जी आप सेल्फी ले रहे हैं? अंकल सेल्फी ले नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग ना यही रहते हैं और हम लोग मतलब ऐसे अप डाउन होते हैं, बट आज सीन यार पहली बार उन्होंने ऐसा देखे, पहली बार आज मैं बहुत अच्छा लगा, पहली बार अभी तब मैं बिलासपुर में हूं। अच्छा बिलासपुर, हम लोग बिलासपुर में रहते हैं, बिलासपुर से मैं
तो पहले आप अंकल का फोटो खींचते हैं। थैंक यू, हमारी फोटो निकाल दिए हैं। अरे बहुत अच्छा, बहुत सही है, अरे बहुत, एक नंबर एक नंबर। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, साइड आ जाओ। तो बहुत मजा आया। एक MP40 की गाड़ी वहाँ रुकी हुई है और उधर, हाँ हाँ, व्हाट्सएप नंबर मैं निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो गाइस, मन तो नहीं भर रहा है लेकिन यहाँ से आप जाना पड़ेगा। काफ़ी देर हम लोग यहाँ मस्ती किए हैं, इसलिए कहते हैं कि हिल स्टेशन जाके ना रिलैक्स फील होता है। आज सच में समझ में आया कि हिल स्टेशन जाना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए। और मतलब क्या मतलब, हम लोग फीलिंग्स ना शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन आप हमारे चेहरे पर देख सकते हो और एक्साइटमेंट को आप देख सकते हो, हमारी एनर्जी को फील कर सकते हो कि हम लोग कितने ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। इतनी फटी सी नींद आ रही थी ना, इतनी गंदी नींद आ रही थी, गाड़ी रोक के सो रहे थे, सो भी रहे थे। अंदर उसके बाद सीन हुआ कुछ, अंदर भी यहां पहुंचे। ऐसा सीन था ना कि सामने ना कुछ जलाया है, पूरा धुआं है, तो मैं बोला ऐसा लगा कि हां कुछ जल रहा है या फिर कुछ, लेकिन जब कुछ आ गया ऐसा, मतलब धुएं के अंदर घुस गए ना, अरे बाप रे। उसके बाद ये ब्रिज देखे ना, मतलब देखो अभी क्या सीन है, पूरा अभी तो कम लग रहा है। हाँ तो इतना ज्यादा था ना, मतलब पानी नहीं दिख रहा था। मजा ही आ गया। तो ये ब्लॉग तो आज यहीं शुरू यहीं खत्म करते हैं, लेकिन छोटा सा ब्लॉग है, बहुत बहुत अच्छा लगा यार ये सीन, मतलब जो है ना, मतलब वाओ, मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सारा चीज सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे ब्लॉग अभी कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। लास्ट जो ब्लॉग है और उसके बीच अभी तक मैंने काफ़ी ब्लॉग किए हैं, लेकिन इतना भी टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं उस चीज़ को एडिट करके पोस्ट कर सकूं, क्योंकि मेरे को एक दो घंटा भी नहीं मिल पा रहा है एडिट करने के लिए। जो एक दो घंटा मैं सिस्टम में बैठता हूं तो डाटा कॉपी करने में लग जाते हैं, हर दिन का मेरा शूटिंग निकल रहा है, तो उस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। डेली ब्लॉग में करने का सोचा लेकिन नहीं हो पाया था। तो प्रभाकर को पता है कि मेरा अभी शेड्यूल कितना ज़्यादा ख़राब चल रहा है, अभी भी रात भर का शूट किए हैं, गाड़ी पकड़ के हम लोग जा रहे हैं कवर्धा, अंबिकापुर से कवर्धा, तो वहाँ पर भी शूट है 12-1 बजे से, तो नहीं हो पा रहा है। बस व्लॉग करता हूँ लेकिन एडिट करके डाल नहीं पाता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे आज से लेके 26-27 जो पिछला व्लॉग है उसके बीच में मैंने काफ़ी व्लॉग्स किए हुए हैं, अगर उसके कुछ हाइलाइट्स वगैरह देखने होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका एक लंबा वीडियो तो नहीं लेकिन कुछ हाइलाइट्स बना के आप लोगों को दे सकता हूँ, क्योंकि अगर लंबा बनाऊंगा इतने दिनों का तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताना कि उसको मैं छोटा सा बना के आप लोगों को थोड़ा बहुत पोस्ट करके दिखा सकूँ, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही ख़त्म करता हूँ, लेकिन आज तो भाई मजा ही आ गया। सेल्फी लेंगे यार, तो हम लोग अभी एक सेल्फी लेने वाले हैं, ठीक है। सेल्फी लेंगे, चलो फिर बाय। तो लेगांती लेगांती दाव उल्ला और दाव माका रॉकिंग ननके ने रॉकिंग और सब्सक्राइब बटन ऐसे प्रेस ननके हां चिपके चिपके। चलो बाय गाइस, बाय बाय बाय, और थैंक यू सो मच, सबको लव यू, बहुत ज्यादा प्यार जता रहे हो मुझ पे और मैं भी बहुत सारा प्यार करता हूं आपको। बाय बाय बाय। चमकीला मछलीला मंझली साला साला मंझली साला साला। वो और एक बार आ गया। चलो यार कवर्धा जाना है। नाचेला मंजली चमकीला मंजली साला साला चमकी।